आइए जरा इंटरनल कोड को और डिटेल में देखें। देखिए ये कंपनीज जो हैं वो बकायदा पब्लिश कर देती हैं अपनी सारी चीज़ों को, तो आप उसमें किसी भी कंपनी को उठाकर देखें आपको ये तमाम चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। किसी भी कंपनी का आप बुलेटिन निकाल लें और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएंगी कि किस तरह से जो है वो प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। मैं ज़रूरी नहीं है कि इसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ, आप कोई कंपनी ले लें, आप उसमें उठाकर देखें कि उन्होंने क्या कंट्रोल्स रखे हुए हैं। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इंटरनल डॉक्यूमेंट है इसको अवेलेबल नहीं हो, नहीं, ये ठीक है इंटरनली होते हैं, लेकिन स्टिल यू कैन गो अहेड विद इट और सी कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल्स दे हैव इंस्टीट्यूटेड इन द कंपनी, आर दे बीइंग फॉलोड इफेक्टिवली और नॉट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे आपको निकालना पड़ेंगे, लोगों से पूछना पड़ेगा। अब इसमें देखें कंप्लायंस विद द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ज़रूरी है रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई तो करें आप। पर्सनल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, कंपनी का इंटरेस्ट को वॉच करें। फेयर एनालिटिकल कंपटीशन, कंपटीशन होता है आपस में भी होता है टीम का, लेकिन उसमें एथिकल को सामने रखें कि एथिकली चलें आपका। फेयर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस एंड एक्टिविटी, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि डायरेक्टर्स एम्प्लॉय आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी सॉलिटिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू एंगेज इन पॉलिटिक्स, लेकिन कंपनीज के इनसाइड भी पॉलिटिक्स चल रही होती है, वो तकरीबन 20% तो होती है हर कंपनी में, लेकिन स्टिल अवॉइड करना है। प्रोटेक्टिंग एंड प्रॉपरली यूजिंग कंपनीज एसेट, अगर कंपनी के एसेट्स हैं तो प्लीज़ टेक केयर एज इफ इट इज़ योर्स, ये बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि जी ये कंपनी का है चला लें बस जैसे चल करता है, नो, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी के एसेट्स को आप इस तरह समझें जैसे कि ये आपका अपना है, जैसे आपको अपनी चीज़ की कदर है इसी तरह आपको कंपनी के एसेट्स की भी कदर करनी चाहिए। पब्लिक रिलेशंस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में पब्लिक ऑल अराउंड आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसको भी ठीक मेंटेन करना पड़ेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये एनवायरनमेंट का इसका वर्ड और यूज़ कर लें, ये भी बहुत ज़रूरी। देखिए आपको, अब देखिए फ़र्ज़ करें आजकल गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो ऐसा नहीं है कि जी आप ऐसा सरकमस्टांसिस प्रोवाइड करें जिसमें लोग काम ही ना कर सकें। मेक श्योर कि दे आर कम्फर्टेबल, वर्किंग कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, तो ये हेल्थ के और सेफ्टी, सेफ्टी में आप देखेंगे जो कंपनी जहाँ ज़्यादा मशीनें चल रही होती हैं तो वहाँ उनको क्लोदिंग, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग दी जाती है, हैड्स दिए जाते हैं ताकि किसी भी किसी अनफोर्सिन एक्सीडेंट से बचाया जा सकता हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा सारा, आप प्लीज़ किसी कंपनी का भी उठाकर देखें, ये चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी और रीड करें। थैंक यू वेरी मच।